पूरी करो ना फीस का ये नहीं होता बेटा कि कोरोना का फीस ना ले या कोरोना सर हम ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल कराओ क्लास लगवाओ पढ़ाओ तो सिखाओ हमने तो हम तो क्लास लगाने के लिए तैयार ही हमेशा क्लास लगा हमने फिजिकली बच्चे बुलाए मैथमेटिक्स में कौन सा है कोई बच्चा हमारा तो आपने तो बुला लिया अभी तो किसी के बच्चे होंगे जी आपके डिपार्टमेंट में हमने बुलाया बेटा फिजिकली अभी भी एक दिन फिजिकली बुलाते हैं बच्चों को प्रॉब्लम सुनने के लिए आते ही नहीं बच्चे कोई दो चार जानकार बच्चे यार यही नहीं यार यही नहीं पढ़ा नहीं जी यही सिर्फ एक दिन डाउट क्लास लेने आएंगे तब कोरोना नहीं होगा इसलिए आते हैं कैसे कैसे क्या बात कर रहे हैं इतनी दूर वहां से यहाँ पे सिर्फ डाउट पूछने आए वो भी ऑनलाइन ले लो ऑनलाइन नहीं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों बुलाए कभी मैराथन हो रही है कभी रोज गार्डन में प्रोग्राम हो रहे हैं कभी राधा कृष्ण ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहे हैं खुद हम कॉन्ट्रडिक्टी बात कर रहे हैं बड़ा सवेश सर बड़ा समझदार वायरस है कोरोना बेटा सुनो बड़ा समझदार वायरस सर ये करा दो सर मेरी बात सुनो पहले ये बताओ सारी चीज आप पर छोड़ दीजिए कुछ करा दो करा दो भाई मैथ में करा दो एलएलबी में करा दो ऐसा कोई सुना क्लास पढ़ना चाहोगे बालक ना तो नहीं है मैं तो टीचर का नाम लेऊंगा और ठीक ना लाकर का फिल्म से स्टोरी सुनाऊंगा क्लास में गई से टीचर लागे ना पढ़े मैं टीचर भी थारी दिशा में निकल कर रहे ऐसे अलग थोड़ा ना मारी मत मारे मत ले कर रहे हैं तो कौन है जी अब वे ना पढ़े तो हम कम से कम ये तो पढ़ लेंगे जी भविष्य सुधर जाएगा तो इस तरह की सुनो देखो प्रोटेस्ट का एक तरीका था इस तरह प्रोटेस्ट कर करे सर सर इससे आराम से इस ऑफिस में कोई प्रोटेस्ट हो यार दिल से बताओ इससे आराम से इतनी शांति को दो घंटे बात करने आप आए हो जब हमारा भी जी हल आ गया तो मैं थरा जी लड़ आया हूँ समस्या तुम्हारी समस्या को ना सर भाई क्लास ला दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई लैब खोल दो या कोई समस्या ना क्लास तो लग गई क्लास में या कोई समस्या थोड़ा बिजी शेड्यूल है रजिस्ट्रार साहब का भी अक्सर पहली डिमांड हॉस्टल की है वो आपने कह दी हॉस्टल खाली नहीं कराए जाऊंगे दूसरी डिमांड है अगर एक बार लैब खोल दो तीसरी है कि क्लास शुरू करके पढ़ा दो इनसे अलग तो कोई समस्या नहीं होगी लाइब्रेरी भी है भाई साहब लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी या तो डिपार्टमेंटल खुलवा दो एक सर जुडिशरी के पेपर भी आ रहे हैं यूपीएससी के भी आ रहे हैं तो जितना पॉसिबिलिटी हो अपने हिसाब से लाइब्रेरी खुलवा दो मेरे ख्याल में होगी खत्म समस्या इतनी बाकी आज फिर आ जाओगे कोई बात को नहीं सर एक हो एक हमने पढ़ा दो डिमांड है डिमांड है पढ़ा दो कई स्टेट्स आप देख रहे होंगे यूपी में देखो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 17 अप्रैल तक बंद लेकिन ये सारी बातें कमेटी डिसाइड करेगी ना बेटा ठीक बात है कमेटी बुला ली तो कमेटी में स्टूडेंटों के प्रतिनिधि भी बिठा बिल्कुल एक बुलाने को बता तो चलता रहे डिसीजन की कोई बात ही नहीं सर वीएससी ऑफिस के अंदर कब्जा कर लिया नहीं ये कब्जा नहीं था सुबह सुबह जो है स्टूडेंट इसमें मैं भी स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस का यहाँ क्लासेज नहीं लग रही थी जो है शिक्षा का माहौल नहीं था तो हम सुबह सुबह नहा धोके तैयार होके यूनिवर्सिटी में क्लासेज लगाने के लिए आए तो यहाँ पर देखा कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है लैब बंद है
तो ऐसे में हमने सोचा चलो वीसी साहब से ही कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आए तो वीसी साहब भी हमें नजर नहीं आए, तो हमने इसी को अपना क्लासरूम समझ के यहीं हम जमीन पे बैठ गए, क्योंकि और सुविधा यहाँ पर नहीं थी। और हमारी डिमांड तो है ही नहीं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि क्लासेज लगनी चाहिए, जिस उद्देश्य से हमारे परिवार वालों ने यहाँ पर भेजे हैं पढ़ने के लिए भेजे, तो पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर्स जो हों बच्चों को पढ़ाएं, जो लैब खोली जाएं। ये परंतु दुर्भाग्य है जहाँ विश्व में कोरोना पर रिसर्च हो रही है पहले दिन से, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि रिसर्च नहीं हुई, वहां पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पहले दिन से ताला लगाकर बैठे हैं। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए जो है कोरोना है यहाँ पर, विद्यार्थियों के लिए यहाँ लॉकडाउन है, यहाँ जो राजनीतिक पार्टियों के कुछ संगठनों के कार्यक्रम होते हैं, जहां 500 की कैपेसिटी है वहां 1000 लोग जो है ऑडिटोरियम में बैठते हैं, रोज गार्डन में कुछ समय पहले कार्यक्रम हुआ सभी वाकिफ हैं, या मैराथन कराई जाती है तो कोरोना नहीं होता, इवन कैंपस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, वहां कोरोना की दिक्कत नहीं आ रही क्या? यहां ड्रग्स जो है उसके कारण बच्चों की डेथ हो रही है, बच्चे मर रहे हैं आउट।